जिस दिन का आप हो सकता है वर्षों से इंतजार करते रहे हों, वो चमत्कारी दिन, वो चमत्कार का दिन, वो चमत्कारी दिन आज आपके लिए आ गया है। वो चमत्कारी दिन आज आपके लिए आ गया है जो हां और आमीन के साथ ग्रहण करते हैं। आज चमत्कार का दिन आपके लिए है। सन्नाट की आवाज आई, स्वर्ग से आवाज आई और वो जहां बैठे थे वो सारी जगह गूंज उठी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जी ने कहा जिसे तुम परमेश्वर कहते हैं वो तो मेरे पिता है, और आज हम भी कहते हैं जिसे लोग परमेश्वर कहते हैं वो तो हमारा पिता है। हालेलुया। और आज का दिन किसने मनाया? आज का दिन किसने मनाया? मेरे पिता ने। हालेलुया। इस सूर्य को किसने बनाया? मेरे पिता ने। इस आसमान को किसने बनाया? मेरे पिता ने। इस धरती को किसने बनाया? मेरे पिता ने। जो जैतून के पौधे पेड़ लगे हुए हैं, जैतून लगा हुआ है यहाँ, उसको किसने बनाया? मेरे पिता ने। जो चील के पेड़ लगे हुए हैं उसको किसने बनाया? मेरे पिता ने। हालेलुया। जितने फल फ्रूट लगे हुए हैं किसने बनाए? मेरे पिता ने। हालेलुया। पूरी दुनिया को सांसें कौन दे रहा है? मेरा पिता। हालेलुया। पूरी दुनिया के लोगों को जीवन कौन दे रहा है? मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पिता तो परमेश्वर है, सबसे ऊपर के पद पर विराजमान। हालेलुया। वो आपका पिता है, वो आपका पिता है, वो आपका पिता है। हालेलुया। और वो पिता आपसे प्रेम करता है। वो पिता है और वो पिता प्रेम करने वाला है। वो नहीं चाहता आप संकट में रहें, वो नहीं चाहता परेशानी में रहें। हालेलुया। वो नहीं चाहता आप बीमारी में पड़े रहें, वो नहीं चाहता आप दुष्टात्मा के रहें, वो नहीं चाहते कि आप नशे में डूबे रहें, वो नहीं चाहते कि आप अंधेरे में रहें, वो नहीं चाहते कि आप गरीबी में पड़े रहें, वो नहीं चाहते कि आप लाचारी में पड़े रहें, वो नहीं चाहते कि आप बोझ में दबे रहें। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस दिन का आप हो सकता है वर्षों से इंतजार करते रहे हों, वो चमत्कारी दिन, वो चमत्कार का दिन, वो चमत्कारी दिन आज आपके लिए आ गया है। वो चमत्कारी दिन आज आपके लिए आ गया है। हालेलुया। हो सकता है आज आप कुछ छोटा सा चाह रहे हो और इसलिए यहां आए हो सकता किसी का सिर दर्द होता और आप यहां आ गए, हो सकता आप कुछ देखने के लिए यहां पर आ गए, हो सकता है आप इसलिए आए हो कि चलो छोटा सा मेरा ये काम हो जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हालेलुया, जो आप एक साल से, पांच साल से, दस साल से, बीस सालों से जिस दिन के इंतजार में थे कि वो दिन आए जब हमारे जीवन में भी चमत्कार हो जाए। हमने तो बहुत सुना है कि चमत्कार होते हैं, लेकिन ऐसा दिन आ जाए जब हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। आज आपके लिए वो दिन आ गया है। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाउल, शाउल की गलियां गुम हो गई थी, लिखा है उसके पिता की गदियां, और वो जो गुम हो गई थी वो ढूंढ रहे थे। एक दिन का सफर, दो दिन का, तीन दिन का सफर किया, और तीन दिन का सफर कर कर वो गदियां ढूंढ रहे थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने कहा, जब निराश हो गए, कहते कि यहां कोई परमेश्वर का दास नहीं है, क्या उसके पास जाएं? कैसे भी हो वो परमेश्वर के दास के पास गए। उनका जो शाउल का जो जीवन था ऐसा ही था, रोजाना सुबह उठते और रूटीन में वही, रात को लेटना, परमेश्वर के लोगों, उसका रोजाना का जीवन ऐसा ही था। लेकिन वो ढूंढ तो गदियां रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके लिए चमत्कार का दिन आ गया है। वो नहीं जानता था कि चमत्कार का दिन
आ गया है। जैसे वहां से वो चला परमेश्वर के दास के पास, वो कदम बढ़ा रहा है, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, और परमेश्वर के दास की ओर वहां पहुंच रहा है। जैसे वो कदम बढ़ा रहा है, वैसे ही चमत्कार उसके नजदीक आ रहा है, वैसे ही उसका जीवन बदलना उसके नजदीक आ रहा है, वैसे ही बहुत बड़ी आशीष उसके नजदीक आ रही है। वो कदम बढ़ा रहा है, 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 वो कदम बढ़ा रहा है। जितना ज्यादा नजदीक जा रहा है चमत्कार उतना पास आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो ढूंढ रहा था कि चलो मामूली सी चीज जो गलियां गुम हो गई हैं, वो पूछे कि कहां पर हमें मिल सकती हैं, किस रास्ते पे जाएं। परमेश्वर के लोगों, चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे वो परमेश्वर के दास के पास गए, आपको मालूम है इज़राइल का पहला राजा उसे बना दिया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। उसने सोचा भी नहीं था कि वो कभी राजा भी बन सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वो कहता है मैं तो छोटी सी जाति का हूं, मैं तो एक अपने घराने में भी छोटा हूं, बिन्यामीनी था वो, तो वो ऐसा सोच रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, अचानक 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 वो दिन आ गया जिस दिन उसे राजा बना दिया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे उसके जीवन में वो अचानक दिन आ गया, आज वो दिन आपके लिए आ गया है। जितने लोग मुझे लाइव देखते हैं, जितने लोग हमारे बीच में हैं, आज वो दिन आपके लिए आ गया है, आज वो चमत्कार का दिन आपके लिए आ गया है। हो सकता है आप छोटी सी बात के लिए आए हो कि चलो विश्व जी के पास चलते हैं, पास्टर जी के पास चलते हैं, चर्च में चलते हैं, कोई छोटा पाने के लिए आशा में, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बड़ा करने के लिए आज आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सोचा भी नहीं होगा। शाऊल सोचता होगा कि कब, पता नहीं कब हमारे जीवन में भी कभी उछाल आएगा, कभी हम भी सफलता पाएंगे, कभी हम भी धन संपत्ति में बढ़ेंगे, कभी हम भी ऊंचाइयों पर जाएंगे। लेकिन अचानक वो दिन आया जो इज़राइल का सबसे बड़ा पद था, उस पर वो राजा बनकर, वो राजा बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आप अपनी धन संपत्ति को लेकर, आप अपनी सफलता को लेकर, आप अपनी कमाई को लेकर, आप अपनी जॉब को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, आप हो सकता आप चिंतित हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है, आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि चमत्कार का दिन आज आपके लिए आ गया है, चमत्कार का दिन आज आपके लिए आ गया है। जो हां और आमीन के साथ ग्रहण करते हैं, आज चमत्कार का दिन आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हुरी बाला बाबा बाला शदा बाला ला बाला ला बाला ला बा हिंदी भी रीडी बिश्ती भी रीडी खबर है ना। आज आपके लिए सफलता और धन की बढ़ोतरी का दिन है। आज आपके लिए चमत्कार पाने का दिन है। आज आपके लिए चमत्कार पाने का दिन है। आपने सोचा भी नहीं होगा, आप कुछ छोटी सी बात के लिए यहां आए हो सकते हैं, आप किसी और कार्य के लिए यहां आए हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने निर्णय कर लिया है। आपके यहां आने से पहले ही परमेश्वर ने कल ही आपके लिए निर्णय कर लिया था। परमेश्वर ने कल ही मुझे बोल दिया था कि कल का दिन जो है वो चमत्कार का दिन है। इसलिए इसका हेडिंग बनाकर हम लोगों ने YouTube पर डाल दिया था, WhatsApp पर डाल दिया था कि चमत्कारों का दिन है आज। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही
शमल नबी को पहले कह दिया था, एक दिन पहले कह दिया था कि कल चमत्कार का दिन है। आज आपके लिए चमत्कार का दिन है, आज आपके लिए चमत्कार का दिन है। आप परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहते हैं, वो आपको धूलि में से उठाकर ऊंचा करना चाहते हैं, वो आपको महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाना चाहते हैं। शमूएल 16 अध्याय में तो आप जानते हैं दाऊद सुबह उठता और भेड़ बकरियों को चराने के लिए चला जाता, थोड़ी सी भेड़ बकरियां लिखा हुआ है, थोड़ी सी भेड़ बकरियां थी उसके पास, भेड़ बकरियों के लिए चराने के लिए जा रहा था। रात को लौटता, सुबह फिर जाता, बारिश उसके ऊपर गिरती थी, धूप उसके ऊपर आती थी, पेड़ों के नीचे वो रहता था। सारा दिन वो भेड़ बकरियों को चराता और लौट आता, भेड़ बकरियों को चराता और लौट आता। घर में जैसे उसके दूसरे भाई थे उनका आदर और सम्मान होता था, वैसे उनका आदर सम्मान नहीं था। उसके बड़े भाई जो थे वो सेना में थे, शाल के सेना में, राजा की सेना में थे, तो वो बेचारा फिर वही भेड़ बकरियां चराने गया, चला उदास। वो अपनी जिंदगी में रोजाना सोच रहा होगा क्या मुझे यही काम है, सुबह जाना भेड़ बकरियां चरानी है, लौटना है, कपड़ों में चरवाहे के कपड़ों में पशुओं की स्मेल आती है, बदबू आती होती है, क्या मेरा जिंदगी में यही रह गया, क्या मैं कभी ऊंचा हो पाऊंगा, क्या कभी परमेश्वर मुझे धूलि से उठाएंगे और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, क्या मेरे जीवन में भी कभी चमत्कार होगा, क्या मेरे जीवन में भी कभी बस इतना ही है। अरे मेरे भाई तो सेना में भर्ती है, अगर मैं सेना में भर्ती हो जाता तो भी ठीक था, कुछ तो मेरा आदर होता कि मैं सैनिक हूं। रोजाना जाता और सोचता सोचता क्या करता, गोफन के अंदर कोई ना कोई पत्थर लेकर ऐसे मारता रहता, पेड़ों के पत्ते जो लटके रहे होते थे उस पत्ते के ऊपर मारता, निशाना लगाता रहता, बैठा बैठा ऐसे मारता रहता। जब हम छोटे थे तो गांव में जो छप्पड़ होता है, पानी वाला छप्पड़, जहां पशु जाकर क्या करते हैं, पानी पूनी पीते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, तो वहां फालतू बैठे बैठे मटके की ठीकरी जो होती है उसको मटके के तोड़ का ठीकरी सी उसकी, उसको ऐसे ऐसे पानी के ऊपर ऐसे ऐसे फेंकते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते, और वो सोचते रहते क्या हम भी कभी ऊंचाई पर जाएंगे, और वो ऐसे निशाने लगाता रहता, कभी इधर कभी उधर, लगा क्या कभी मैं भी ऊंचा हो पाऊंगा। आज तो मैंने वहां जाना था पार्टी में, सब परिवार गया हुआ है, मुझे तो भेड़ बकरे के लिए भेज दिया गया। वो आज्ञाकारी था अपने पिता का, और जो पिता ने उसे काम सौंपा था उसे वो पूरी ईमानदारी के साथ उसको पूरा करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कोई उसे बुलाने आ रहा है, उसने कहा लग तो मैं सोचता हूं शायद उसके भाई को भेजा होगा, तो ये लग तो मेरा भाई रहा है, लेकिन आज यहां कैसे आ रहा है। जब वो भेड़े चरा रहा था उसके भाई ने कहा चल तू भी चल, उसे धार्मिक पार्टी में तुझे भी बुलाया है। उसने कहा चल ठीक है, तो उस पार्टी में क्या खाएंगे, क्या लिखा कार्ड पे, क्रिसमस वाले कार्ड पे, चलो वहां चलते हैं, वहां रसगुल्ले खाएंगे, जलेबियां खाएंगे, समोसे खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, चलो आज मेरी इतनी गिनती तो होगी कि मुझे भी बुलाया वहां पर, सुबह तो मुझे भेज दिया था। वे नहीं जानता था कि आज उसके लिए कुछ नया होने वाला है, उसके लिए कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो सालों 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 वर्षों से वर्षों वर्षों से सोच रहा था कि परमेश्वर धूलि में से उठाते हैं मुझे कब उठाएंगे, परमेश्वर धूलि में से उठाते हैं मुझे कब, मैं महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाएंगे। तो अचानक से उसका अभिषेक हो गया, अचानक वो दिन उसके लिए आ गया, वो चमत्कार का दिन उसके लिए आ गया, और वो राजा बन गया, इज़राइल का दूसरा राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जैसे उसके जीवन में अचानक से वो दिन आया, अचानक वो दिन आया, वैसे आज वो दिन आपके लिए आ गया। जैसे अचानक ही शाऊल को राजगद्दी मिल गई, राजा बना दिया गया, अचानक ही दाऊद को राजा बना दिया गया, वो अचानक से वो एक दिन आया, आज वो दिन आपके लिए आ गया है। आपको ऊंचा करने के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए आज चमत्कार का दिन आपके लिए है। आज चमत्कार का दिन आपके लिए है, आज चमत्कार का दिन आपके लिए है। जितने लोग हां और आमीन के साथ ग्रहण करते हैं, जितने लोग अंगीकार करते हैं हां मेरे लिए आज चमत्कार का दिन है, आज चमत्कार का दिन आपके लिए है, आज चमत्कार का दिन आपके लिए है। आपने सोचा भी होगा कि परमेश्वर एकदम से आप ऐसा अचानक से ऐसा हो जाएगा। आप तो आम प्रार्थना में आए थे, आप तो एक प्रार्थना सभा में प्रार्थना करवाने आए होंगे, किसी दर्द के लिए, किसी दुख के लिए, किसी पीड़ा के लिए, ये क्या हो गया? हाँ, आज आपके सफलता और धन की बढ़ोतरी का दिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बीमारियों से छुटकारे का दिन है, आज दुष्ट आत्माओं से छुटकारे का दिन है, आज पापों की क्षमा का दिन है, आज परमेश्वर के साथ मेल करने का दिन है, आज प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो की है पवित्र आत्मा के विषय में, उसको पवित्र आत्मा को पाने का दिन है, आज आत्मिक उन्नति का करने का दिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, आज आपके हालातों को बदलना चाहते हैं, आज आपके हालातों को बदलना चाहते हैं। और यूहन्ना 4 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय में एक औरत है, वो औरत जो जिसके जीवन में पाप है, वो रोजाना पानी भरने के लिए जाती है, और उस समय पानी भरने के लिए जाती है, धूप के समय में भी, दोपहर में पानी भरने के लिए जाती है, ताकि कोई भी उसको देखे ना, और वो रोजाना जाती है पानी भरकर अपने लिए ले आती है, फिर जाती है, अगले दिन उठी और फिर ले आई, अगले दिन फिर गई, फिर आ गई, अगले दिन फिर गई, फिर पानी भरने गई। उसने सोचा होगा, क्या मेरे लिए भी कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं सबके सामने पानी भरने जाऊं, जब मैं इस पाप की दशा को जो मैं छोड़ना चाहती, जो छोड़ नहीं पा रही हूं, इस पाप की दशा से मैं निकल जाऊंगा, क्या कभी मेरा भी जीवन बदल जाएगा? क्या मेरे भी पाप क्षमा हो जाएंगे? क्या मैं भी इन पाप के बंधनों से छूट जाऊंगी? बेचारी रोजाना जाती पानी भरती, लौट आती, पानी भरती और लौट आती। उस दिन भी वो पानी भरने के लिए गई, जब वो पानी भरने के लिए गई जैसे रोजाना हो जाती थी, तब उसके लिए वो दिन चमत्कार का दिन हो गया। अचानक से उसके जीवन में चमत्कार का हो गया, अचानक वो चमत्कार का दिन आ गया। वो तो रोजाना पानी लेने के लिए जाती थी, उसे परमेश्वर मसीह मिले, उसका जीवन बदल गया, उसके पाप क्षमा हो गए, उसने परमेश्वर को पा लिया, उसने अनंत जीवन को पा लिया, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया, वो पापों से शुद्ध हो गई। हालेलुया, हालेलुया। दौड़ का पूरे गांव में नाच रही है, बता रही है सबको कि मुझे उद्धारकर्ता मसीह मिल गया है, मुझे मसीह मिल गया है, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा था, वो मसीह मुझे मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो पाप के बंधनों से छूट गई, उसे नया जीवन मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज वो दिन आपके लिए है। हो सकता है आज से पहले आप पापों में पड़े रहे हो, पापों में डूबे रहे हो सकता आप किसी नशे में रहे हो, उस नशे को आप छोड़ना चाहते हैं, उस पाप को आपको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पाप आपके ऊपर राज्य कर रहा है, आपके ऊपर प्रभुता कर रहा है, आपको नीचे दबा कर रख रहा है। आप उसे छोड़ना चाह रहे हैं बुराई को, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। किसी भी प्रकार की आपके जीवन में बुराई है,
जैसे उसके जीवन में अचानक दिन आ गया, आज वो दिन आपके जीवन में आ गया है, आज वो दिन आपके जीवन में आ गया है। आज परमेश्वर मसीह पाप के ऊपर आपको विजय देने के लिए, आज आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आज आपको अनंत जीवन देने के लिए, आप आज आपको स्वर्ग अधिकारी बनाने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो नहीं सोच रही थी सालों साल से और रोजाना पानी के लिए जा रही थी, सालों साल से वो उसकी जिंदगी वैसी थी, अचानक से जैसे उसके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो गया, आज वो चमत्कार आपके जीवन में होना चाहता है। आज आपके लिए वो चमत्कार का दिन है जब आपका जीवन बदलेगा, जब आपके हालात बदलेंगे, परमेश्वर आपके हालातों को बदल कर रख देंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो सोच रही थी कब मेरा जीवन कब बदलेगा, कब मैं पापों के ऊपर विजय पाऊंगी, पता नहीं कितने साल लगेंगे, कैसे हो पाएगा। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपके हालातों को बदल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे शाऊल के जीवन में अचानक वो दिन आ गया, जैसे दाऊद के जीवन में अचानक वो दिन आ गया और वो ऊंचे पर उठाए गए, महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए गए। आज आप भी महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए जाओगे, आज आप भी धन संपत्ति की ब्लेसिंग पाओगे, आज आप भी सफलता पाओगे। जैसे ये सबरी औरत अपने पापों के छूट गई, पाप क्षमा हो गए, इसका मेल परमेश्वर से हो गया, ये बुरी आसों से बाहर निकल गई, वैसे आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं, आपके जीवन को बदल रहे हैं, अभी और इसी वक्त आपके जीवन को बदल रहे हैं। जो डाकू पर विश्वास के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, वो सोच रहा था अगर हम पहले से इन सब बुराई को छोड़ देते तो अच्छा था, अब तो मरने वाले हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो अंतिम समय है, अब क्या हो सकता है। लेकिन परमेश्वर जी ने उससे कहा था, तू आज मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा, तो आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। अचानक उसकी पूरी जिंदगी निकल गई उस डाकू की, पूरी जिंदगी निकल गई उस डाकू की, लेकिन अचानक उसके जीवन में वो दिन आ गया जब परमेश्वर जी ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। परमेश्वर जी ने उसे क्षमा किया, परमेश्वर जी ने उसे नया जीवन दिया। आपकी सारी बुरी आत्माओं को, आपके पापों को क्षमा करके, आपको नशे से छुड़ाकर, आपके ऊपर जो राज्य करते हैं पाप, उनसे छुड़ाकर आपको विजय का जीवन परमेश्वर मसीह देना चाहते हैं। आज आज आपके लिए चमत्कार का दिन है, आज आपके लिए चमत्कार का दिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मरकुस 5 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, एक परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। जब वो लड़का पैदा हुआ, घर के लोग बहुत खुश थे, ढोल बजा रहे थे कि लड़का पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, बड़ी खुशियां थी, मिठाइयां बांटी गई, लड़का बड़ा होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। लेकिन अचानक से उसको कुछ दुष्ट आत्मा सताने लगी, दुष्ट आत्मा तंग करने लगी, और उन्होंने इधर उधर से कोशिश की, उस समय जो भी वो कर सकते थे कि दुष्ट आत्मा से वो बच सके, वो तोड़फोड़ करता और आखिरकार उसको कमरे में बंद करने लगे, वो कमरे में तोड़फोड़ करता, फिर उसको रस्सी से बांधने लगे, वो रस्सियों को तोड़ देता, फिर उसको लोहे की जो चैन थी, जंजीर थी, उससे बांधने लगे, उनको भी वो तोड़ देता, फिर उसके पांव में बेड़ियां डालने लगे, वो बेड़ियों को भी टुकड़े टुकड़े कर देता, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ी सेना थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा थी। जब कहीं भी कंट्रोल नहीं हुआ, सब जगह जा लिया, सब जगह उसको छोड़ दिया गया, वो पहाड़ों पे रहने लगा, पत्थरों से अपने आप को घायल करता, कब्रों में, पहाड़ों में रहता, दिन रात चीखता और चलाता रहता, बड़े बड़े बाल बड़े हुए हैं, सिर के और दाढ़ी के बाल बड़े हुए हैं, पैरों में जूते नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत पागलों जैसा वो बना हुआ है। उस रास्ते में कोई भी जाता तो वो पत्थर फेंकता, उन पत्थरों से अपने आप को घायल करता रहता। उसके माँ बाप सोचते, क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि हमारा लड़का चंगा हो जाए, क्या कभी हमारा लड़का भी चंगा हो सकता है। परमेश्वर के लोगों, मैं आज से ये कहना चाहता हूं, सालों साल निकलते गए उस दुष्ट आत्माओं में,
सालों साल निकलते गए, दुष्ट आत्मा ने जो उस जवान लड़के को तंग कर रखा था, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आ गया जो उसके जीवन में चमत्कार का दिन था। और वो 6000 जो दुष्ट आत्मा थी, जो उसके अंदर लश्कर था, वो बाहर निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। वो बिल्कुल सही सलामत किसी अपने चेले जो थे उन्होंने अपने कपड़े उसको दिए और कपड़े वो पहनकर होशो हवाश में वह मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया। जो सोच रहे थे घर के लोग उसके कि कब वो दिन आएगा, क्या कभी वो दिन आएगा भी कि नहीं आएगा, वो आशा छोड़ चुके थे, वो निराशा में पड़ चुके थे कि उनका बेटा भी कभी वापस लौटेगा, क्या कभी वो भी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएगा। जैसे अचानक उसके जीवन में वो दिन आया, आज आपके जीवन में वो दिन आ गया है, आज आपके जीवन में वो दिन आ गया है। अगर दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर है, अगर जादू टोने का प्रभाव आपके ऊपर है, आज पर यीशु मसीह के नाम से सब जादू टोने की ताकतें नष्ट होती है, आज पर यीशु मसीह के नाम से सब दुष्ट आत्मा नष्ट होती है, आज पर विश्व मस्जिद में आजाद करते हैं। आज आपकी आजादी का दिन आ गया है, आज आपके लिए छुटकारे का दिन आ गया है। हो सकता है आप सालों साल से 10 साल 20 साल 15 साल 40 साल आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, दुष्ट आत्मा ने आपके जीवन को बर्बाद किया, दुष्ट आत्मा ने आपके परिवार को बर्बाद किया, दुष्ट आत्मा ने आपके बिजनेस को बर्बाद किया, दुष्ट आत्मा ने आपकी कमाई को बर्बाद किया, दुष्ट आत्मा ने आपके बाल बच्चों को बर्बाद किया, लेकिन आज वो चमत्कार का दिन आ गया है जब आपके जीवन से, आपके बिजनेस से, आपके परिवार से, आपके घर से, आपके अंदर से दुष्ट आत्मा की ताकतें हटाई जाएंगी, दुष्ट आत्मा की ताकतें हटाई जाएंगी। आज आप छुटकारा पाएंगे, आज आप छुटकारा पाएंगे, आज आप छुटकारा पाएंगे। वो दिन उन्होंने सोचा नहीं था कि ये दिन कब आएगा, अचानक से वो दिन आ गया। हालेलुया। गांव वाले देखने के लिए गए, अच्छा वो ये वही लड़का है, वो रा बाला शादा रखा लबा बरा सदा बरा नमा हिंदी भी रेरी बिशी दबा लबा लबा। आज वो दिन आपके लिए आ गया है, आज वो दिन आपके लिए आ गया है, आज वो दिन आपके लिए आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक अदरंगी था यूहन्ना 5 अध्याय में, और क्या था, मैंने देखा उस बैतसैदा के कुंड को, अभी तो टूटा फूटा है, वहां पर बैतसैदा के कुंड में जो स्वर्गदूत आता था उस पानी को हिलाता था, आपको मालूम है, और जो व्यक्ति पहले उसके अंदर जाता था वो चंगा होता था, अंधा अंदर गया आंखें खुल गई, लंगड़ा अंदर गिर गया तो वो चंगा हो गया, सूखे अंग वाले, लंगड़ा तो चंगा होना आसान बात है, सूखे अंग जिसके अंग सूखे थे, अंदर गया बाहर निकला हरे हो गए। लेकिन वहां एक ऐसा व्यक्ति था जो लकवे का रोगी था, एक साल निकला, दो साल, चार साल, दस साल, बीस साल, सालों साल, सालों साल, सालों साल निकलते गए। वो सोच रहा था क्या कोई ऐसा दिन भी आएगा कि मैं चंगा हो जाऊंगा। वो देख रहा था लोगों को, अरे वो भी चंगा हो गया, अरे उसकी हरनिया निकल गई, वो देख रहा था, अरे उसकी गांठे निकल गई, उसके ट्यूमर निकल गए, उसकी पथरी गायब होगी, वो देख रहा था चिन्ह और चमत्कारों को, लेकिन उसके जीवन में चमत्कार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके जाने से पहले ही वहां पर कोई ना कोई दूसरा उसके अंदर कूद जाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सालों साल निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, निकल गए। वो सोच रहा था क्या मेरे जीवन में भी कभी चमत्कार का दिन आएगा, एक साल, दो साल, चार साल, दस साल, बीस साल, 38 साल, सारी उम्र निकल गई, सारी जवानी निकल गई, वाह क्या मेरे जीवन में कभी आएगा, क्या मैं भी कभी हाथ हिला सकूंगा, क्या मेरे जीवन से भी कभी रोग निकल जाएगा, क्या मेरे जीवन से भी कभी बीमारी निकलेगी। जब प्रभु यीशु जी ने उसे पूछा तो वो कहता है, प्रभु यीशु जी ने कहा तू चंगा होना चाहता है, तो उसने ये नहीं कहा हाँ 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 मैं चंगा होना चाहता हूं मुझे चंगा करो, वो कहता है पानी में डुबकी लगाने के लिए कोई भी मेरी मदद नहीं करता, मुझे पकड़ कर लेके जाए और पानी में डुबकी लगवा दे। उसने सोचा नहीं था, उसने सोचा नहीं था कि आज उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा,
वो सोचकर बैठा नहीं था कि आज मेरे जीवन में चमत्कार होगा। आज आप में भी कई लोग ऐसे हो गए जिन्होंने सोचा नहीं होगा कि आज मेरे जीवन में चमत्कार होगा। हो सकता है आप में कई ऐसे लोग हो जिन्होंने सोचा ही ना हो। और रोजाना कितना है, एक दिन निकला, चार दिन निकले, एक साल निकला, चार साल निकले, दस साल निकले, बीस साल निकले, तीस साल निकले, उस बीमारी में निकल रहे दिन गुजर रहे हैं। आज भी आप आए और आपने सोचा होगा बस ठीक है, जैसे पहले के दिन निकलते हैं ऐसे आज भी दिन निकल रहा है। उसने सोचा भी नहीं था, अचानक से उसके लिए चमत्कार का दिन आ गया। अचानक से उसके लिए चमत्कार का दिन आ गया और वो चंगा हो गया। उछलने कूदने लगा, चारपाई को उठाकर घर जा रहा है। हालेलुया। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज मेरे लिए चमत्कार का दिन है। आप रूटीन में बैठे होंगे, आप आम ही आए होंगे, चलो ठीक है आज चलते हैं चर्च में। आज चंगाई का दिन है, आज चमत्कार को पाने का दिन है। आपकी कोई भी बीमारी है, आपके कोई भी रोग है, आज परमेश्वर मसीह के नाम से वो गायब होने वाले हैं। आपकी सारी पथरियां बाहर निकलने वाली हैं, आपके सारी गांठें गायब होने वाली है, आपके पेट के रोगों से परमेश्वर मसीह आपको चंगा करने वाले हैं, आपके आंख के रोगों के, आपके दिमाग के रोगों से, पांव की तली से लेकर सिर के बालों तक के रोगों से आप चंगा होने वाले हैं, आप चंगाई पाने वाले हैं। हालेलुया। बस बहुत हो गया, एक साल निकला, दो साल निकले, दस साल निकले, बीस साल निकले, अब और नहीं, अब बस, अब चमत्कार का दिन आ गया है, अब बस चमत्कार का दिन आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपके लिए वो चमत्कार का दिन आ गया है, आज आपके लिए वो चमत्कार का दिन आ गया है, आज आपके लिए वो चमत्कार का दिन आ गया है। हो रहा बाला शादा बाला बाबा, आपकी कोई भी बीमारी है, कितनी भी पुरानी बीमारी है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, कितनी भी बड़ी रिपोर्टें हैं जो आपने सोचा भी नहीं, आज आपके लिए चमत्कार का दिन आ गया है। हालेलुया। आज आपके लिए चमत्कार का दिन आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपके लिए वो चमत्कार का दिन है। चाहे आप धन संपत्ति में बढ़ना चाहते हैं, दौड़ और शोर की तरह, आज आपके जीवन में चमत्कार का दिन है। चाहे आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आप पापों पे विजय पाना चाहते हैं, आप पापों से छूटना चाहते हैं, आज उस सामरी औरत की तरह छुटकारे का दिन है। चाहे आप दुष्ट आत्मा पर विजय पाना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा को से छुटकारा पाना चाहते हैं, आज मरकस पांच अध्याय उस आदमी जैसा आपका दिन आ गया है। हालेलुया। और चाहे आप अपनी बीमारियों से चंगाई पाना चाहते हैं, आपके लिए उस अधरंगी जो रोगी था लकवे का, उसकी तरह अचानक आज आपके लिए चमत्कार का दिन आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। पर विश्व मसीह तैयार हैं आपके लिए चमत्कार करने के लिए, पर विश्व मसीह तैयार हैं आपके लिए चमत्कार करने के लिए। वो कहते तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, आपके लिए वो चमत्कार करना चाहते हैं। आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए। हो हालेलुया। प्रेर तो नौ अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, एक शाउल नाम का व्यक्ति जो पौलुस बना, शाउल नाम का व्यक्ति रोजाना की तरह परमेश्वर के लोगों को सताता था, रोजाना की तरह परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, तंग कर रहा था, रोजाना की तरह उसकी जिंदगी में दिन निकल रहे थे, रोजाना की तरह वो आम रूटीन में ही सुबह होती रात होती, सुबह होती रात होती, सुबह होती रात होती, सुबह होती रात होती। उसने सोचा वो तो चिट्ठियां लिखवाकर, ऑर्डर की चिट्ठियां लिखवाकर लेकर जा रहा था। उसने सोचा बस सुबह होगी रात होगी, जो मैं रूटीन में काम कर रहा हूं वैसे ही रहूंगा। लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा चमत्कार का दिन आ गया कि वो शाउल से पौलुस बन गया, शाउल से पौलुस बन गया। उसका मेल एकमात्र सच्चे परमेश्वर से हो गया, उसके जीवन से अंधकार खत्म हो गया। वो परमेश्वर को जो जानता नहीं था, परमेश्वर को जानने लगा, परमेश्वर को पहचानने लगा, वो परमेश्वर का हो गया। आज परमेश्वर के लोगों, हो सकता आप किसी पेशेंट को लेकर आए हो सकता किसी के साथ आए हो आप, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपको
पौलुस बनाना चाहते हैं। आपका एकमात्र सच्चे परमेश्वर से मेल होगा, आप वो अलौकिक शांति को पाएंगे जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आती है। अब पहले जैसा एक दिन और नहीं होगा। एक दिन और निकल गया, एक दिन और निकल गया, एक दिन और निकल गया, एक साल और निकल गया, दो साल निकल गए, दस साल निकल गए, बीस साल निकल गए, चालीस साल निकल गए, आप पहले जैसा नहीं, क्योंकि आज आपके लिए चमत्कार का दिन आ गया है। आज आपके लिए चमत्कार का दिन आ गया है। हालेलुया। और अंतिम बात, जो 120 लोग थे, 120 लोग जो थे वो इंतजार में थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों काम 1:4 में लिखा है, वो इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर कब प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, परमेश्वर कब प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। योएल नबी के द्वारा कही थी, हजारों साल पहले कही थी, कब पूरी करेंगे परमेश्वर, कब करेंगे पूरी इस प्रतिज्ञा को, कब करेंगे। वो प्रार्थना कर रहे थे, ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। वो प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रतिज्ञा कब पूरी होगी, वो प्रतिज्ञा कब पूरी होगी। वो परमेश्वर से जब स्वर्ग उठाया गया तो वो प्रार्थना कर रहे थे, 120 जन इकट्ठे हो गए, वो प्रतिज्ञा कौन सी प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, वो कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। वो इंतजार कर रहे थे, सुबह से लेकर रात तक वहां प्रार्थना कर रहे थे, फिर प्रार्थना प्रार्थना दूसरे दिन, तीसरे दिन प्रार्थना 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 कर रहे थे, चौथे दिन प्रार्थना कर रहे थे, पांचवें दिन प्रार्थना प्रार्थना कर रहे थे, छठे दिन प्रार्थना प्रार्थना कर रहे थे, सातवें दिन प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर प्रतिज्ञा कब पूरी होगी, आठवें दिन प्रार्थना प्रार्थना कर रहे थे, नौवें दिन प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और दसवें दिन जैसे प्रार्थना करने लगे, अचानक से वो दिन उनके जीवन में आ गया और वो पौत्रात्मा की प्रतिज्ञा उनके लिए पूरी हो गई, पौत्रात्मा की प्रतिज्ञा उनके लिए पूरी हो गई, पौत्रात्मा की प्रतिज्ञा उनके लिए पूरी हो गई। दो अध्याय में लिखा है वैसा पौत्रात्मा से भर गए, वैसा 1-4 में लिखा है वैसा पौत्रात्मा से भर गए और आत्मा ने जैसा बल दिया वे अन्य भाषा बोलने लगे, से भर गए भाषा बोलने लगी, और रब लशद बर रख बोरो सुख बल लशद लख लबर और रब रसद रख ल सुख बोरो सद बल लबो। वो पुत्र आत्मा से भर गए, वो पुत्र आत्मा से भर गए, वो पुत्र आत्मा से भर गए। अगर आप इंतजार कर रहे थे कि वो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में कब होगी, मेरी संतान के जीवन में कब होगी, वो प्रतिज्ञा कब पूरी होगी, जब हम भी पुत्र आत्मा से भर जाएंगे, हमें पवित्र आत्मा से भरना है, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। वो इंतजार कर रहे थे कि कब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेंगे, कब पवित्र आत्मा से भरेंगे, कब पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा वह पूरी हो गई। एक दिन निकला, दो दिन निकले, चार दिन निकले, पांच दिन, नौ दिन निकले, अचानक से स्वर्ग से सनसनाहट की आवाज आई, स्वर्ग से आवाज आई और वो जहां बैठे थे वो सारी जगह गूंज उठी, सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। आज आपके पवित्र आत्मा से भरने का दिन है, आज आपके पवित्र आत्मा से भरने का दिन है, आज पवित्र आत्मा से भरने का दिन है। वो दिन अचानक आप पर आ गया है। अगर आप इंतजार में थे कि मुझे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है, वो दिन आज आपके लिए आ गया है, वो दिन आज आपके लिए आ गया है, वो दिन आज आपके लिए आ गया है। चाहे शाऊल की तरह और दाऊद की तरह आप महिमा जिस सिंहासन के अधिकारी बैठना बनना चाहते थे, सिंहासन पर बैठना चाहते थे, अचानक वो दिन आ गया था, आज आपके लिए आ गया है। चाहे उस सामरी औरत की तरह आप पापों में विजय पाना चाहते थे, वो दिन आज आप पर आ गया है। चाहे आप दुष्टात्मा से छुटकारा पाना चाहते थे, वो दिन आप आज आपके लिए आ गया है। चाहे बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते थे, आज वो दिन आपके लिए आ गया है। अगर आप परमेश्वर से मेल करना चाहते हैं तो आज वो दिन आपके लिए आ गया है। और अगर आप पौत्रात्मा की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होना चाहते हैं कि वो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो, आज आपके लिए वो दिन आ गया है।
आज आपके लिए वो दिन आ गया है। कितने लोग अपने जीवन में चमत्कारों को पाना चाहते हैं? कितने लोग चमत्कारों को पाना चाहते हैं? जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए, ये अंगीकार करना होता है, हाथ खड़े करना। जब हम पूछते हैं वो अंगीकार करना हो, आप कहेंगे हम आई ही इसलिए हैं। नहीं, आए इसलिए हैं, लेकिन ये अंगीकार होता है। जब बड़े बड़े जहरीले सांप खाने लगे थे, जब जहरीले सांप खाने लगे थे इसराइलियों को, मूसा ने विनती की, परमेश्वर कहा इनके लिए ऊपर सांप एक बना दे पीतल का, जो देखेगा वो उसको जहर नहीं, जहर का असर नहीं होगा, वो नहीं मरेगा। और जिन्होंने कहा अरे उसको सांप को पीतल का जो टंगा उसको देखने की क्या जरूरत है, वो मर गए, उनको जहर चढ़ गया। लेकिन जिन्होंने उस बात को मानकर उसकी ओर देखा, बस ऐसे देखना तो था, सांप ने डसा, ऐसे देखो बस जहर नहीं चढ़ेगा। अल्लाह बाशी दबा लखा, आपको कुछ करना है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज चमत्कार दिन, चमत्कार का दिन मेरे जीवन में आ गया है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज चमत्कारों का दिन है मेरे लिए, चमत्कारों का दिन है मेरे लिए? निश्चय आज आपके लिए चमत्कार का दिन है। अपने दोनों हाथों को ऊपर करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर की ओर अपने हाथ उठाएं, सर की ओर अपने हाथ उठाएं, सर की ओर अपने हाथ उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में चमत्कार का दिन आ गया है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में चमत्कार का दिन आ गया है। मैं विश्वास करती हूं कि मेरे जीवन में आज चमत्कार का दिन है। मैं आज प्रार्थना में आई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आज चमत्कार का दिन मेरे लिए है। आज चमत्कार का दिन मेरे लिए है। आज मैं ग्रहण करती हूँ, आज मैं ग्रहण करता हूँ, आज मैं अंगीकार करता हूँ, आज मैं अंगीकार करता हूँ कि आज मेरी जीवन में चमत्कार का दिन आ गया है, मेरे जीवन में चमत्कार का दिन आ गया है। इसी वक्त आपकी बीमारियां पब विश्वमस के नाम से बाहर निकल रही हैं, आपकी बीमारियां पब विश्वमस के नाम से बाहर निकल रही हैं, हर एक दुष्ट आत्मा जादू टोने की ताकतें पब विश्वमस के नाम से गायब हो रही हैं, दुष्ट आत्मा शैतान की ताकतें आपको छोड़कर बाहर जा रही हैं, पब विश्वमस के नाम से चंगाई आ रही है।